ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 12/5/1965 मंगलवार। चौथे पेज की मध्य में बात चल रही थी टीचर बनाने से वो सर्विस में लग जाएगा, जैसे कि प्रजा बनाएगा, फिर प्रजा में अपना वारिस बनाएगा। तो इतनी सभी मेहनत करनी चाहिए और गृहस्थ व्यवहार में रह करके ये मेहनत हो सकती है। ऐसे नहीं है कि नहीं हो सकती है। बच्चों को दिन में तो छूट है 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए, भले जो कुछ चाहिए सो करो। अच्छा 4-5 घंटा नींद भी करो, कोई मना तो नहीं रहती है। बाकी तो अपना टाइम पुरुषार्थ में दो। बच्चों को 8 घंटा हाईएस्ट गवर्नमेंट की सर्विस करनी है। तो इसका चार्ट रखो, जितना याद करेंगे तुम्हारी कमाई होगी। जितना चाहिए 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी करो। फिर तो कहते हैं हे नींद को जीतने वाले, जिनको शौक होता है रात को उनकी नींद भी फिट जाती है। ऐसे मत समझो कि नींद फिटने से कोई माथा खराब होगा। नहीं, ये तो कमाई है। इस कमाई में माथा खराब नहीं होगा, माथा दर्द नहीं करेगा। ये पुरुषार्थ के लिए वेद का पुरुषार्थ बाप बताते हैं कि हे नींद को जीतने वाले, 2 बजे उठो, उस समय बहुत अच्छा है। इसमें तुमको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये अपने लिए कमाई करते हो। याद करने से तुम जानते हो कि हमारी आयु बड़ी हो करके हमको निरोगी काया मिलेगी। देखो एवर हेल्दी रहेंगे और आयु भी बड़ी होगी और एवर हेल्दी भी अंत तक रहेंगे। अंत तक माना योग से एवर हेल्दी अंत तक रहेंगे। कब तक है अंत तक माने? कब तक है? अरे अरे, अभी का पुरुषार्थ है, कहाँ तक काम आवेगा है? अंत माने क्या? अंत माने जब नई दुनिया शुरू हो जाएगी तब तक, उसके बाद नहीं। अंत तक माना
अंतिम जन्म तक भी काम आवेगा। क्योंकि बीमारियां बिल्कुल होती ही नहीं है इस याद के पुरुषार्थ से। बहुत तकलीफ तो नहीं देते हैं ना, बात ही बड़ी सीधी और सहज बताते हैं कि बच्चे चार्ट रखो, ये तो बहुत है कि कोई 5 मिनट भी सर्विस नहीं करते हैं। यहाँ तो बाबा 8 घंटे कहते हैं। फिर ऐसे भी बच्चे जो 5 मिनट भी कोई सर्विस नहीं करते हैं। परंतु जिन बच्चों को इतना ऊंचा बनना है, इसके लिए तो पुरुषार्थ जरूर करना है। कितना ऊंचा है कि अंतिम जन्म तक भी प्राप्ति करते रहें। बाबा सहज तो बहुत बताए देते हैं कि मीठे मीठे डाले बच्चे, तुम जानते हो कि कमाई बड़ी भारी है, कौन नहीं चाहेगा कि हम भविष्य 21 जन्म में एवर हेल्दी बने, तो क्यों नहीं हम कोशिश करके भले शरीर निर्वाह भी करें, फिर बाकी जो समय रहे तो याद भी करें और औरों को भी कहें कि एवर हेल्दी बनाने का है, बनने का भी है। बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि बोर्ड पर लिख दो, अगर एवर हेल्दी बनना चाहते हो तो आओ यहां आकर के समझो, फॉर 21 जनरेशन। 12/5/65 की वाणी का 5वां पेज। तो गोया जैसे बड़ी ती बड़ी एक हॉस्पिटल है, वो किस्म किस्म की हॉस्पिटल होती है, तो लिख दो अगर हेल्दी बनना है तो आओ, युक्ति बतावे। और युक्ति बड़ी सिंपल है, कोई भी दवा वगैरह की बात नहीं है, सिर्फ बिलीवर्ड मोस्ट बाप को याद करना है। और वो ही फिर सिखलाते हैं कि बच्चे मेरे को याद करने से तुम एवर हेल्दी बनेंगे। एवर हेल्दी कहाँ बनेंगे, स्वर्ग में बनेंगे, और वहां तो बनेंगे ही, वहां तो कोई ऐसा नहीं होता जो एवर हेल्दी न हो। पर स्वर्ग में भी ऐसे एवर हेल्दी बनेंगे, निराकारी दुनिया में भी बीमार तो कोई नहीं होता है ना, शरीर होते हैं तब बीमारी होती है, यहां शरीर है तो बीमार है। सतयुग में तो शरीर का भान ही नहीं रहेगा तो बीमारी भी नहीं, क्योंकि एक तो माया नहीं, दूसरा सतो प्रधान प्रकृति होती है, और इस समय में है तमो प्रधान प्रकृति। तो जैसे आत्मा तमो प्रधान हो गई है तो प्रकृति भी तमो प्रधान। सच्चा सोना आकर के बिल्कुल झूठा बन गया, तो ये शरीर रूपी जेवर भी झूठे बने हैं। तो
रात दिन का फर्क है। भगवती और भगवान जो थे वो फिर आ करके देखो ये झूठे जेवर बने। 84 जन्म उनमें मिक्सचर होती आई है, सिल्वर में मिक्सचर हुई। कहे की सिल्वर एज में मिक्सचर काहे की हुई? अरे सिल्वर की मिक्सचर हुई, सतयुग में सोने की दुनिया थी, त्रेता में आकर मिक्सचर हुई सिल्वर की। पीछे लोहा मिक्सचर हुआ, पीतल मिक्सचर हुआ, तो देखो सब झूठे जेवर हो गए। कौन से जेवर हैं? शरीर रूपी जेवर। झूठे जेवर को कहा जाता है पतित, और सच्चे जेवर को कहा जाता है पावन। तो आत्मा भी प्योर, सत्युग में सोने को भी ऐसा ही कहेंगे, प्योर कहेंगे। नहीं तो कहेंगे 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट, 9 कैरेट। तुम बच्चों को शायद ये मालूम नहीं है, झूठे मुलम्मे के भी जेवर बनते हैं। और आजकल जो जेवर मुलम्मे के बनते हैं वो देखने में सच्चे हीरे, सच्चे सोने से भी तीखे दिखाई पड़ते हैं। आजकल जो मुलम्मे जेवर हैं उनमें जो ये झूठे पत्थर पड़ते हैं वो सच्चे से भी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। तो देखो अभी तो ये दुनिया ही ऐसी दिखाई देती है, इसलिए सच यहाँ झूठ में छिप गया है। क्योंकि कोई अपने को लक्ष्मी नारायण कह देते हैं, कोई कृष्ण कह देते हैं, कोई अपन को श्री श्री 108 कह देते हैं, तो कोई तो सीधा शिव हम कह देते हैं। अच्छा श्री श्री 8 तो वो कहते हैं, पर मनुष्यों से पूछो तो कहते हैं हम परमात्मा हैं। यानी सब श्री श्री 108 हो गए। इसको फिर कहा जाता है अंधेर नगरी अनबूझ राजा। फिर कहते हैं चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। इसलिए ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब बच्चों को ड्रामा के आज मध्यंत क्रिएटर डायरेक्टर करण करावनहार का भी पता पड़ा, और फिर सतयुग की स्थापना कैसे होती है, वहां कौन राज्य करते हैं, सब का मालूम पड़ गया। तुम किसको भी कह सकते हो किसी अच्छी नारायण की जीवन कहानी आओ तुमको बताएं। एक जन्म की नहीं, सतयुग त्रेता के 21 जन्म की भी नहीं, मैं 84 जन्म की कहानी सुना सकता हूं। ऐसे कोई थोड़े ही बैठे हुए हैं जो कहे कि हम अपने 84 जन्म की कहानी सुनाऊं। कहानी सुनाना पड़े ना, तो क्या सुनाना? इसमें लिखा हुआ है, इसमें अभी खाली जन्म लिख देना है।
तो 84 पूरा हो जावे। देखो ये आर्टिस्ट होते हैं ना बाबा, ये बड़ा चक्र बनवाए रहे हैं, बड़े अक्षर होते हैं ना, तो मनुष्य बड़ी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बाबा बच्चों को डायरेक्शन भी देते हैं कि ये ऐसे बोर्ड बनाओ, उनमें 84 जन्म पूरा करके दिखाओ, उसमें 8 जन्म, फिर 12 जन्म, फिर आगे चल के इन दोनों को मिलाकर के 63 जन्म अलग भी कर सकते हो। ऐसे चक्कर फिरता है। तो पिछाड़ी में आ करके ऐसे होता है। हर युग का टाइम उतना ही होता है और जन्म बढ़ जाते हैं। तो बाहर में बोर्ड लगा हुआ हो, कोई आवे तो हम और भी समझावे। अभी देखो पिछाड़ी हुआ है, ये कांटा यहाँ खड़ा है, अभी फिर से स्वर की स्थापना हो रही है। और स्वर की स्थापना तो बाप करेंगे ना, क्यों, कोई और क्यों नहीं करेगा है? अरे बाप ही सदा स्वस्थिति में रहने वाला है, और तो सबकी स्थिति ऊपर नीचे हो ही जाती है। तो बताओ वो सदा स्वस्थिति में रहने वाला बाप कौन है? है सदा स्वस्थिति में रहने वाला वो ही हो सकता है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा हो, वो ही सदा सदैव स्वस्थिति में रह सकता है। और उसका नाम क्या है? बाप का कुछ जानते ही नहीं है कि उनका नाम क्या है जो सदा स्वस्थिति में रहने वाला है। जो सदा स्वस्थिति में रहेगा वो ही सदा विश्व कल्याणकारी होगा। स्वार्थ के वशीभूत नहीं होता है, कभी नहीं होता है, इसलिए वो सदा कल्याणकारी है। तो उनका नाम शिव है, शिवमान ही कल्याणकारी। परमपिता परमात्मा का नाम कोई नहीं जानते हैं, क्योंकि जानते नहीं है कि उनका काम क्या है। क्या काम है? है तो फिर उनका नाम में एग्जैक्ट पति तो पावन होना चाहिए, परंतु ये तो उनका टाइटल है। काम के आधार पर उनका असली नाम क्या है? किस काम के आधार पर? सारे विश्व का कल्याण। चौरासी लाख योनियों का भी कल्याण, मनुष्य मात्र का कल्याण,
ऐसे नहीं कि सिर्फ सूर्यवंशियों का कल्याण करते हैं, सर्व का सदगति दाता, इसलिए उनका नाम शिव है। और शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। इस बात की यादगार है, शिवरात्रि मनाते हैं या महाशिवरात्रि मनाते हैं? क्यों, छोटी मोटी रात्रि क्यों नहीं? क्योंकि इस 5000 वर्ष के सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़े अज्ञान की रात्रि जब होती है, तब ही उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कौन हुआ, कब हुआ? 76। तो बड़ी सी बड़ी प्रत्यक्षता रूपी रात्रि हुई क्या? उससे ज्यादा बड़ी प्रत्यक्षता कभी होने वाली नहीं है। 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष तो है, परंतु शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है या मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? कौन सी आत्मा प्रत्यक्ष हुई? नारायण का प्रत्यक्षता वर्ष है या शिव बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है? नारायण बनने वाली आत्मा का प्रत्यक्षता वर्ष है। कौन सा नारायण? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। बाकी शिव बाप जिनकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, वो महान अज्ञानता की रात्रि तब मनाई जाती है जब 500 करोड़ की अज्ञानी दुनिया तो रात्रि में होती ही है, लेकिन जो ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, वो भी अज्ञानता के अंधकार में आ जाते हैं, डूब जाते हैं। और जो अपन को डायरेक्ट मुखवंशावली कहते हैं, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुन करके, वो भी अज्ञानता की अंधकार की रात्रि में पूरे ही डूब जाते हैं। फिर रात्रि में सूर्य दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो बाप को भूल जाते हैं ज्ञान सूर्य को, या एक एक के हृदय में प्रत्यक्ष होता है? तो महाशिवरात्रि की ये यादगार है। अभी बताओ वो शिव कौन है? कौन है? हैं? अरे कौन है? सुप्रीम सोल कौन है? आत्मा है, वो तो सभी आत्मा है। मनुष्य आत्मा का पिता है, आत्माओं का बाप। अरे आत्मा है बिबिंदी, सभी आत्माओं का बाप बिबिंदी,
तो कैसे पता चले कौन है? है शिव कौन है? शिव माने सारी सृष्टि का कल्याणकारी। ऐसे नहीं कि चैतन्य आत्माओं का ही कल्याणकारी, जड़ प्रकृति का भी कल्याणकारी, प्रकृति को भी सतो प्रदान बनाते हैं, प्रकृति के जर्रे जर्रे को सतो प्रदान बनाते हैं। उनको क्यों मानते हैं? है मानते भी हैं और फिर उनको मनाते भी हैं। भक्ति मार्ग में बहुत मनाते हैं, बड़ी पूजा होती है। जब शिव का मनाते हैं ना, तो सागर और ब्रह्मपुत्री का मेला भी लगता है। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है ये क्या है, तो बाप बैठ करके समझाते हैं ये कोई वो मेला नहीं है। जहां मेला इकट्ठा होता है नदियों का, ये तो आत्मा और परमात्मा का मेला है। अभी देखो तुम्हारा मेला हुआ परमात्मा से, किस लिए हुआ? बाप से अपना 21 जन्म का वर्षा लेने के लिए। और स्नान पानी की यहां कोई बात नहीं है, ये ज्ञान स्नान भी न कहा जाए, क्योंकि नाम तो बहुत रख दिए हैं, नहीं तो ये नॉलेज है, इसको कहा ही जाता है गॉडफादरली यूनिवर्सिटी। 12/5/65 की वाणी का 6वां पेज, वो गॉड भी है फादर भी है और फिर ये तो जरूर है गॉड साथ में वहां ले जाएगा। तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह से धारण भी करना है और धारण करके बहुत सहर्षित रहना है। अच्छा बाबा को क्या याद आया होगा? टोली ले आना। अरे जो ईश्वर के संतान बने तो और क्या चाहिए? देखो जब कोई बच्चा गुम हो जाता है और मिलता है तो माँ बाप बच्चे को लेकर देखकर रो पड़ते हैं, प्यार से मिलते हैं कि हमको शिकिलदा बच्चा मिला, तो प्रेम में रोते हैं, उसको कहा जाता है प्रेम का रोना। ये भी देखो आधा कल्प बाद फिर से आकर के मिले। जी क्या बोला है? आधा कल्प क्यों कहा? आधा कल्प के बाद फिर से आकर के मिले हैं। आधा कल्प के बाद मिले कि पूरे कल्प के बाद मिले? आधा कल्प के कैसे?
वो तो 5000 साल पहले थे, या ये इसको आधा कल्प कहेंगे हैं? शूटिंग पीरियड को आधा कल्प कह दिया कैसे हैं? दो युग निकल गए, फिर बाप मिले आगे 65 में सतयुग त्रेता की दो युगों की शूटिंग हो गई। नहीं, ये जो मिलन कहा ना आधा कल के बाद, बाद मिले हैं। हाँ हैं? उस टाइम के लिए नहीं बोला, रोने की बात आई, प्रेम के आंसू में रोते हैं। जब मिले तब रोए ना? थोड़ा तो ठीक बताया, यज्ञ के आदि में तुम बच्चों से मिले थे, सन 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा और 69 में बाबा ने शरीर छोड़ा। जब तक मम्मा बाबा जीवित रहे तब तक चढ़ती कला की शूटिंग होती रही, सतयुग त्रेता की शूटिंग होती रही, और जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो उतरती कला की शूटिंग, द्वापर कलयुग की शूटिंग हो गई। इसलिए कहा आधा कल्प, तो आधा कल्प के बाद फिर से आकर के मिला। फिर से का शब्द कल्प पूर्व के लिए है या इसी संगम युग के लिए है? ओह, ये तो सबसे प्यारी चीज है, अति प्यारे ते प्यारी चीज है, क्योंकि ये तो हमको अभी हीरे जैसा बना रहे हैं। तो ऐसे शिव बाबा में लव चाहिए। अभी साहब कहेंगे कि हम शिव बाबा की गोद में जावे, ऐसे कहेंगे ना। बाबा ने कह दिया है कि खबरदार, किस बात में खबरदार? शिव बाबा की गोद में आया और फिर शिव बाबा को याद न किया, इस ब्रह्मा बाबा को याद किया। तो पाप आत्मा बना, पाप का हिसाब चढ़ गया। ये भी बड़ी मुश्किलात है। क्यों मुश्किलात क्यों है? हैं? देहदारी को याद करते हैं ना, देहदारी को देख। ओहो, बिना देह के शिव बाबा आ जाता है क्या? हैं? देह के संबंध को भूल नहीं पाते ना, जब देह में आता है तो उस देह से ज्यादा संबंध तो साकार में बनता है, देह के साथ बनता है या बिंदी से बनता है? तो गोद देह को कहा जाता है या बिंदी की गोद होता है? देह की गोद होता है, लेकिन गोद किसकी समझे? गोरे चिट्ठे हट्टे कट्टे ब्रह्मा बाबा की समझे, असाधारण तन की समझे, या साधारण गोद में आता है? तो ये पाप का हिसाब चढ़ा, ये समझना भी बड़ी मुश्किलात है। क्या कि मैं साधारण तन में आता हूँ तो मूढ़मती लोग मेरे को
पहचान नहीं पाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो समय में गोद में आते हैं तो जो डायरेक्शन मिलता है कि शिव बाबा को याद करके फिर गोद में आओ। तो ये खास बात भूल जाते हैं है? इसमें क्या खास बात है, है? ब्रह्मा बाबा को याद न करके शिव बाबा को याद करना भले ही गोद में, भले ही रथ उनका है। अरे गोद का विकारी सुख शिव बाबा लेते हैं या देहधारी लेता है? तो अगर शिव बाबा को न समझा तो किसको समझा? देहधारी को समझा तो भूल गए ना। क्या भूल गए? कि मैं अभोक्ता की गोद में आया हूं या भोक्ता की गोद में आया हूं? है? भूल गए कि शिव जो एक ही अभोक्ता है उसने ये तन लिया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी याद में रहेंगे कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं जो अभोक्ता है तो उनके ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा। इसलिए हम इतनों को फटाफट हाथ बढ़ा करके गोद में ले लेते हैं। वो याद करते हैं या नहीं याद करते हैं, मुझे तो एक एक से बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है। माया ऐसी है वो भी बोलते हैं, बोलेंगे गोद में आओ। तो जब गोद में आएंगे तो ऐसे बहुत हैं जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। कौन सा नशा चढ़ जाता है, है? अरे भोगी का नशा चढ़ जाता है या भोक्ता का नशा चढ़ता है? तो उनके ऊपर भी पाप चढ़ जाता है। इसलिए बाबा इस बात में भी खबरदार रहते हैं कि बच्चों को कुछ भी उल्टा असर न होने पावे। बाबा एक है और अभी तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो और यहां गोद की कोई बात भी नहीं होती है, ये तो ठीक है। यहां तो समझना है कि हम अभी माता पिता के बच्चे बने हैं। बच्चे बने माने माता पिता की गोद में आए। समझा ना? बस अभी योग में ही रहना है और सुनना है तो मूल बात है पढ़ना। अब कितने बच्चों को कितना गोद में बिठाई सकेंगे, है? बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, हैं? तो कितने बच्चों को गोद में बिठाई सकेंगे ये तो बताओ। और बच्चे भी तो वैरायटी बढ़ते जाते हैं ना।
ये सब सूर्यवंशी ही आते हैं। ये भी समझना चाहिए ना, आज बच्चे बने बैठे हैं और कल माया एक ही घूसा लगाती है और एकदम खलास हो जाते, तो जरूर बाबा समझेंगे कि ऐसे ऐसे छी छी बच्चे को गोद में क्यों ले में? अरे लौकिक बाप होगा तो अगर कोई भी बच्चा छी छी गंदा काम करते होंगे या किसको मारते रहेंगे तो उनकी दिल नहीं होगी कि मैं इनको प्यार करूं, बाकी पहनूं। अभी बाबा क्या करे, इतने वैरायटी बच्चे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हमको भी गोद की वासना दो। अरे गोद की वासना नहीं चाहिए, तुमको चाहिए योग और ज्ञान की वासना। ये तो बरोबर ठीक है कि वो चकमक है, चुंबक क्या करती है, है? लोहा दूर है तो कोई बात नहीं, अगर नजदीक आया तो खींच लेते हैं, कशिश कर लेते हैं, बच्चों को खींच लेते हैं। कौन? चुंबक। तो वो चुंबक है, कौन है, है? कि शरीर के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा है? वो तो टेम्परेरी रहते है, जो टेम्परेरी रहते है वो टेम्परेरी रहते है, सदा काल का नहीं है, अंत तक नहीं रहेगा, आज में भी नहीं था, अंत में भी नहीं रहेगा। तो बच्चों को कौन खींच लेते हैं, है? परंतु खींचने वाला ये ब्रह्मा थोड़े ही है, देखो नाम भी बदनाम होता है। दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा गाली खाने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, कहां है दुनिया में, इस दुनिया में मेरे से ज्यादा गाली खाने वाला कोई है ही नहीं, मेरे को प्यार भी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भगवान को भक्त याद करते रहते हैं, फिर मुझे जो कह देते हैं कुत्ते में, बिल्ली में, पत्थर में, ठिक्कर में, तो मेरी जैसी ग्लानी कोई करते नहीं है, मेरे को याद भी बहुत करते हैं और मेरी ग्लानी भी बहुत करती है। देखो ये कितनी वंडरफुल बात है, या तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, या तो कह देते हैं पत्थर में है, ठिक्कर में है, भीतर में। वाह, मेरे को 84 लाख तो क्या पता नहीं कितनों में ठोंक देते हैं,
पत्थर पत्थर में, कण कण में, पत्ते पत्ते में, भीतर भीतर में ठोक देते। बाबा ने समझाया था ना, एक आर्य समाजी था, कहता हम कहता हूं टट्टी में भी है। वो बोला भगवान सर्वव्यापी है तो टट्टी में भी है। ऐसे ऐसे गंदे गंदे हैं। तो बाप कहते हैं देखो मुझे कितना गाली देते हैं और फिर प्यार भी बहुत करते हैं। भगत तो भगवान को याद करेंगे ना कि आओ गॉडफादर तुम तो टट्टी में भी आते हो, या तो कह देते हैं कि नाम रूप से न्यारा है। इसको कहा जाता है बच्चों की बुद्धि का घोर न्यारा। सो भी किसका, जो भी है बड़े से बड़े प्रेसिडेंट, देखो प्राइम मिनिस्टर को, इन बड़े से बड़े विद्वानों को देखो। ये विद्वानों की बात है, सर्वव्यापी का नाम ये विद्वानों ने निकाला है। तो देखो ये कितने होते हैं। तभी बाप कहते हैं इन विचारों का भी ड्रामा में पार्ट है, यानी ये ड्रामा के वशीभूत है ना। बारह पांच पैंसठ की वाणी का सातवां पेज, ये ड्रामा के वश है। फिर समय आकर के रावण के भी वशों पड़ते हैं, उनकी क्या हालत होगी। तभी कहते हैं कि मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। अभी ये साधु लोग तो अपन को श्री श्री 108 कह देते और इनके ऊपर भी मम्मा का नाम निकाला हुआ है। कहते हैं ये तो बाप का टाइटल है, तुम जो अभी इस समय में तमो प्रधान पति तो हो, तुम अपने ऊपर तो टाइटल नहीं लगाओ। तुम जानती हो रानी नहीं, महारानी या महाराजा बनना, गोद की तो खेच रहती है ना। खास करके जब जवान बच्ची बनती है, बाकी तो सभी आसुरी गोद है। ये दैवी गोद, अगर ये भी अच्छा नहीं हो भी गोद देवे और आदत पड़ जावे तो फिर गोद 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 करते करते जरूर कोई और की गोद पकड़ लेगी। तो ये भी नुकसान हो जाता है। कोई ने कहा बाबा ये याद करती है, बाबा के पास कितने गोद में बैठे होंगे और बाबा के पास कितने निपड़े हैं। आज देखो किसकी गोद में बैठे हैं, आसुरी गोद में चले गए। दस दस वर्ष, पांच पांच वर्ष भी गोद में आकर के फिर माया की गोद में चले जाते हैं।
और जब तलक बाप है तब तलक ये सिलसिला चलता रहता है। आशरीयत ऐसे बाप को भूल करके फिर जाकर के आसुरी गोद में पड़ते हैं। ईश्वर की गोद के बाद होना है दैवी गोद। यहां तो देखो ईश्वर की गोद में बैठे बैठे फिर आसुरी गोद में लौट जाते हैं, जिसके लिए कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा का बनंती, ईश्वर का बनंती और छोड़ करके आसुरी के बनंती। क्या करें, ये ड्रामा है ना, और ये तो होना ही है। परंतु बाबा फिर भी सावधान करते रहते हैं। तुमने सुना है यहाँ, तुम देखते हो यहाँ बैठे बैठे ईश्वरी गोद छोड़ फिर जा करके आसुरी गोद में बैठ जाते, देर थोड़ी ही लगती है। माया एक ही थप्पड़ लगाई देती है। कोई गुस्सा होते हैं तो कहते हैं एक चमाट मारूंगा, एक चमाट में तुम्हारा मुंह फेर दूंगा। तो माया भी बोलती है खबरदार रहना, ऐसा एक चमाट मारूंगी मुंह फेर दूंगी। तुम देखते हो बरोबर कि यहां तो बैठे बैठे कैसे माया के थप्पड़ मार करके मुंह फेर देती है। देखते हो यहां बाबा के होते हुए भी और तुम बच्चों के होते हुए भी कैसे थप्पड़ मारती है, एक थप्पड़ मारती है और मुंह उल्टा हो जाता है रावण की तरफ। इसलिए वो चित्र बने हुए हैं। तुमने कभी ये चित्र देखा है? इनका नाम क्या है? करण। अभी ये नाम भी याद करना पड़ेगा। तुमने ये चित्र देखा है? बनारस में मिलते हैं। दिखलाते ये कि राम सामने बैठे है और फिर माया रावण एक चमाट मारती है और मुंह फेर देती है। वो चित्र यहां बने हुए हैं कहां है? है कहां की बात बताई? बनारस में। अभी तो ये चित्र बाप देता है दादा द्वारा, ये तो समझ गए ना। बाप बरसाई देते हैं मात पिता के द्वारा। अभी ये माता भी है तो दादा भी है और वो फिर है छोटी माता। उसको कहा जाता है बड़ी माता, क्योंकि मम्मा की कोई मम्मी चाहिए ना। तो फिर ये बाबा की मम्मी, मम्मा की भी ये मम्मी है। इसको ये राज समझाया, कहां गई रानी? बच्चों का हक है, परंतु पास होकर सर्विस में लग जाए फिर गोद में आवे। सो भी तो लेते हैं ना, आने से ही बाबा सबको गोद में लेते हैं, फिर जाने से
फिर भी गोद में लेते हैं, तो मन मना भव माद्याजी भव, आदि में भी देते हैं अंत में भी देते हैं। और गीता में भी लिखा है मन मना भव माद्याजी भव, और अंत में भी लिखा है। तो जिसको जास्ती गोद चाहिए वो बहुत पंडा बन करके आवे, हम उनको घड़ी घड़ी गोद देंगे, सर्विस तो करे ना। अभी सर्विस के लिए बच्चियां तैयार नहीं हुई हैं। उन्हें कहो कि यहां सर्विस पर जाओ, तो कहेंगी हाँ बाबा अभी हमको अवेल बनने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर क्या करेंगे, बाबा याद प्यार देते हैं ना, कि मेरा याद प्यार सर्विसेबल बच्चों को देना, क्लियर लिखते हैं ना। क्यों बाप कहते हैं सबसे सर्वसेबल बच्चे ही मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मददगार हैं। ज्ञानी तू आत्मा मुझे बहुत प्रिय है या सर्वसेबल बहुत प्रिय हैं? है है, ज्ञान होगा तभी तो सर्विस करेंगे। प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान ही नहीं भरा है तो डिसर्विस ही करेंगे, क्योंकि ऐसे बच्चे मेरे बहुत अच्छे मददगार हैं। पतित को पावन करने में मदद बहुत करते हैं, या नर्कवासी को स्वर्गवासी बनाने में मदद करते हैं, या तो डॉग को गॉड बनाने में मदद करते हैं। है तो ऐसे ना बच्चे बने, और एक दुख को कहते भी हैं। कभी गुस्से वाले बाप होते हैं तो उनको कह देते हैं ना, ये गधे का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, सुअर का बच्चा, ऐसे गाली देते हैं ना। तो बच्चा कोई अगर चालाक होता है तो बोलता है क्या है, बाबा हम सुअर का बच्चा कुत्ते का बच्चा, तो आप क्या हो, आप सुअर हो कुत्ता हो, हमको सुअर का बच्चा कहते हो। ऐसे बाबा ने दृष्टांत दिया था ना। अच्छा, ओम शांति।